दिल्ली राजधानी में लॉकडाउन, जाने किसे मिलेगी छूट और किस पर रहेगी पूर्ण पाबंदी। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों से दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। संक्रमण की चैन तोड़ने और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के मकसद से दिल्ली सरकार ने एक सप्ताह का लॉकडाउन लगा दिया है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों से दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई और संक्रमण की चैन तोड़ने और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के मकसद से दिल्ली सरकार द्वारा एक सप्ताह का लॉकडाउन लगा दिया गया। सोमवार रात 10 बजे से लागू बंदिशें अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक चलेगी। इस बीच आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। वहीं शादियों के लिए ई पास जारी होंगे। इसका फैसला सोमवार सुबह उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री केजरीवाल की बैठक में लिया गया। जानिए इस दौरान क्या बंद रहेगा और किसे मिलेगी छूट। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और दफ्तरों में काम करने वाले अफसर आई कार्ड दिखाने पर जो है छूट रहेगी। स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, पानी, सफाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोरोना संबंधी काम से जुड़े हुए लोगों को भी लॉकडाउन के दौरान छूट रहेगी। सभी जजों, वकीलों, अदालतों में काम करने वाले लोगों को छूट मिलेगी। सरकारी प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, स्टाफ को बाहर जाने की छूट। अस्पताल, लैब, मेडिकल, ऑक्सीजन सप्लायर और इससे जुड़े अन्य लोगों को भी बाहर जाने की छूट। कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए जाने वाले लोग, वैक्सीन लगवाने के लिए जाने के लिए लोगों को बाहर जाने की छूट। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आने जाने वाले लोगों को बाहर जाने की छूट। मीडिया से जुड़े लोगों को बाहर जाने की छूट। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले वाहनों को रोक टोक नहीं। आपको बता दें और किसको मिलेगी छूट। सब्जी, फल, किराना, डेयरी, मीट, दवाई, न्यूज़पेपर, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस, आईटी सर्विस से जुड़े लोगों को भी छूट। बैंक, एटीएम खुले रहेंगे। ई कॉमर्स की डिलीवरी चालू रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी स्टेशन भी खुले रहेंगे। पानी, बिजली की सप्लाई चालू रहेगी। खाने की डिलीवरी और टेक अवे जारी रहेंगे। रेस्तरा में बैठकर खाने की मनाही है। दिल्ली मेट्रो चालू रहेगी। सिर्फ 50% यात्री सफर कर पाएंगे। पीक आवर्स फ्रीक्वेंसी 30 मिनट और नॉन पीक आवर्स 1 घंटे रहेगी। पब्लिक बस, ऑटो, ई रिक्शा चालू रहेंगे। 50% यात्री ही सफर कर पाएंगे। कैब, टैक्सी, ग्रामीण सेवा चालू रहेगी। सिर्फ 2 सवारी बैठ पाएंगी। किसी भी शादी कार्यक्रम में जाने की इजाजत है। सिर्फ 50 लोग आ जा सकेंगे। किसी के लिए परमिशन लेनी होगी। मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क, सैलून, ब्यूटी पार्लर, रेस्तरां, बार, पब आदि सभी बंद रहेंगे। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम पर भी पाबंदी रहेगी। किसी स्टेडियम या ग्राउंड में मैच या प्रतियोगिता की अनुमति, लेकिन दर्शकों को इजाजत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसका चालान काटा जा सकता है।